इलेक्ट्रिकल टॉक में आज हम एपी केबल को कैसे इलेक्ट्रिक पोल के साथ हुकिंग किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर विथ ए होस्ट एस बी जेड एनाथ, अ स्टेप अहेड फ्रॉम इमेजिनेशन। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले एबी केबल में जो न्यूट्रल कंडक्टर है या फिर जो बेयर कंडक्टर है उसे हम टर्न बकल के साथ फिक्स कर देंगे। इसके बाद एबी केबल को एक रोप के माध्यम से बाइंड कर देंगे। तो अब हम रोप के माध्यम से एबी केबल को इलेक्ट्रिक पोल के ओर खींचेंगे या फिर स्ट्रिंगिंग करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोल के साथ जो फेसेड हुक क्लैंप को फिक्स किया गया है और जो फेसेड हुक है वहां पे हमें टर्न बकल को फिक्स करना है। तो इसी तरह से एक एरियल बॉन्च्ड केबल को न्यूट्रल वायर के माध्यम से टर्न बकल के साथ फिक्स करने के बाद उसे इलेक्ट्रिक पोल के साथ जो फेसेड हुक क्लैंप है उसके साथ फिक्स किया जाता है या फिर एबी केबल को हुकिंग किया जाता है। तो एपी केबल को इलेक्ट्रिक पोल या फिर आरसीसी पोल के साथ हुकिंग करने के लिए सबसे पहले हम एपी केबल का जो बेयर कंडक्टर है उसे टर्न बकल के साथ बाइंडिंग करेंगे। उसके बाद टर्न बकल को इलेक्ट्रिक पोल के साथ जो फेसेड हुक क्लैंप को फिक्स किया गया है उसके साथ फिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से एपी केबल को इलेक्ट्रिक पोल के साथ फिक्स किया जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल टॉक का इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल टॉक और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।